बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। खबर बलिया से है, जहां बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने पदयात्रा निकाला, सनातन को एक करने का संकल्प लिया और एक नारा दिया, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हिंदू इकोसिस्टम की महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनी तिवारी ने कहा कि हम योगी जी के नारे का समर्थन करते हुए यह साफ संदेश देना चाहते हैं कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे तब नेक रहेंगे। पूरे देशवासी योगी और मोदी जी के साथ खड़े हैं। योगी जी ने एक नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो हम सब यहाँ भृगु बाबा की धरती से एकत्रित हुए हैं और योगी जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक पद यात्रा भी निकालेंगे जो यहाँ से बस स्टॉपेज तक जाएगी और समाप्त होगी। कहने का यही मतलब है कि हम पूरे देशवासी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े हैं। आज हम लोगों ने योगी जी के बात को आगे बढ़ाया है। जैसे योगी जी कहते हैं कि न बटोगे तो कटेंगे, तो आज हम योगी जी और मोदी जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी सनातनी आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आज भृगु जी के धरती से ये हम प्रण ले रहे हैं कि न बटेंगे न कटेंगे। इस देश में जो भी ये सोचते हैं कि सनातन को बांटकर हम इस देश पे काबिज हो जाएंगे, तो ये भूल रहे हैं कि सनातनी अब एक हो रहे हैं। हमको जात पात में बांटना बंद करो, हर सनातनी एक है और अगर आप सनातन का विरोध करोगे तो सारे हिंदू एक साथ खड़े होकर आपका विरोध करेंगे और आने वाले चाहे किसी भी चुनाव में वही जीतेगा जो सनातन पे राज करेगा, जो सनातन की बात करेगा। हम सभी सनातनी आज बलिया के धरती से ये संकल्प लेते हैं और योगी जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे। जिस गर्व से आप ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटेंगे। यूपी साख न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। ना बटेंगे ना बटेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे।